गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। बेटा आज हम अपनी जीके की बुक जिसका नाम है किडविज पेज नंबर 20 से स्टार्ट करेंगे। तो आप देखेंगे और साथ में अपनी बुक को सामने भी ओपन करेंगे पेज नंबर 20 पर। पेज नंबर 20 पर क्या है, मैन इन स्पेस। कंप्लीट द फॉलोइंग पजल यूजिंग गिवन क्लूज। आपको ये पजल दी गई है और आपको नीचे कुछ स्टेटमेंट्स दी गई हैं, आपने इनको देखते हुए इस पजल को कंप्लीट करना है। फर्स्ट है फर्स्ट एवर मैन स्पेस व्हीकल, कि स्पेस व्हीकल अंतरिक्ष में जाने वाला व्हीकल फर्स्ट एवर मैन के द्वारा बनाया हुआ वोस्टॉक। वोस्टॉक एक स्पेस व्हीकल है, स्पेस क्राफ्ट जो कि रूस में बनाया गया था, उसका नाम है वोस्टॉक फर्स्ट एवर मैन स्पेस व्हीकल। फर्स्ट मैन टू लैंड ऑन मून, सेकंड में फर्स्ट पर्सन जो मून पर लैंड किया था तो वो कौन सा है, नील आर्मस्ट्रांग, ये आप सभी जानते हैं। नेक्स्ट थ्री, फर्स्ट मैन टू ट्रैवल इन स्पेस, स्पेस में ट्रैवल करने वाला फर्स्ट पर्सन कौन है, नंबर थ्री यूरी गैगरिन। फोर्थ है हमारा फर्स्ट पर्सन टू वॉक इन स्पेस, स्पेस में चलने वाला वॉक करने वाला पहला पर्सन कौन है, नंबर फोर एलेक्सेल लेनोव। फर्स्ट डॉग टू गो इनटू स्पेस, स्पेस में पहला डॉग जो गया था उसका नाम क्या है, फाइव लाइका LAIKA। सिक्स्थ है फर्स्ट स्पेस स्टेशन इन ऑर्बिट, कि ऑर्बिट में फर्स्ट स्पेस स्टेशन कौन सा पहुंचा था। ऑर्बिट क्या होता है, जो कोई कर्व्ड पाथ जिस पर कोई ग्रह और उपग्रह जो भी आपके सैटेलाइट होते हैं वो किसी दूसरे सैटेलाइट के उपग्रह या ग्रह के चक्कर जो काटते हैं, तो फर्स्ट स्पेस स्टेशन जो कि ऑर्बिट में गया, नंबर सिक्स MIR मिर। नेक्स्ट हमारा सेवन, फर्स्ट रीयूजेबल स्पेस क्राफ्ट, रीयूजेबल दोबारा से यूज़ किया जा सकता है जिसे, वो स्पेस क्राफ्ट फर्स्ट कौन सा है, कोलम्बिया। नेक्स्ट है फर्स्ट इंडियन सैटेलाइट, पहला इंडियन उपग्रह सैटेलाइट एक पॉइंट में क्या है, आर्यभट्ट। नेक्स्ट नाइन में फर्स्ट इंडियन टू गो टू स्पेस, स्पेस में पहला इंडियन जो गया था राकेश शर्मा। तो ये हमारे लिए कुछ स्पेस से रिलेटेड इंफॉर्मेशन, आप इसे पढ़ेंगे भी और साथ में नेक्स्ट पेज हमारा है 21 काउंटिंग स्टार्स। हियर आर सर्टन फैक्ट्स अबाउट स्टार्स, ये स्टार्स के बारे में कुछ फैक्ट है। मैच द फैक्ट्स इन कॉलम ए विद सेम विद द नेम ऑफ स्टार्स, कॉलम बी में स्टार्स के नाम दिए गए हैं और कॉलम ए में उनके बारे में कुछ फैक्ट्स दिए गए हैं। जैसे द क्लोजेस्ट स्टार टू अर्थ, अर्थ के सबसे नज़दीक जो स्टार है उसको हम करेंगे एफ के साथ मैच, प्रोक्सिमा सेंटौरी। नेक्स्ट हमारा है द ब्राइटेस्ट स्टार, ब्राइटेस्ट सबसे ज़्यादा चमकने वाला ई के साथ मैच करेंगे SIRIUS सीरियस। नेक्स्ट है द स्टार विच कैन बी सीन थ्रू आउट द ईयर इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में पूरा साल जो स्टार देखा जा सकता है वो क्या है, POLARIS पोलैरिस। द लार्जेस्ट स्टार, लार्जेस्ट सबसे लंबा बड़ा स्टार, नंबर फोर VY कैनिस मेजोरिस। नेक्स्ट फाइव है द स्टार विच इज़ ऑफन मिस्टेकन एज मार्स, कि उस स्टार का नाम जिसे अक्सर मार्स समझने की मिस्टेक की जाती है, एंटारिस। ठीक है, द ड्वार्फ स्टार, ड्वार्फ क्या होता है, स्मॉल, अपने नॉर्मल साइज से ज़्यादा छोटा होना, दैट इज़ सन। इज़ इट क्लियर। नेक्स्ट पेज फैक्ट फाइल है, इसमें कुछ फैक्ट्स दिए गए हैं, आप इन्हें रीड करेंगे, मैं हल्का से इन्हें रीड कर रही हूँ, आप लर्न भी करेंगे कि कुछ इंसेक्ट्स जो लीव कर सकती हैं फॉर अ ईयर इवन व्हेन देयर हेड्स आर कट ऑफ, यहाँ तक कि जब उनके हेड काट दिए जाते हैं उसके बाद भी वो काफ़ी एक साल तक या फॉर अ ईयर लगभग एक साल तक जीवित रह सकते हैं। कुछ ऐसे इंसेक्ट्स हैं जो सिर काटने के बाद भी एक साल तक जी। इफ़ यू कट द टेल ऑफ अ लिजार्ड, लिजार्ड छिपकली, अगर आप छिपकली की जो लिजार्ड की
टेल कट कर देते हो तो उस पर जो है उसकी जो टेल है वो दोबारा से रीजेनरेट हो जाती है, आ जाती है। इफ़ यू कट एन अर्थवर्म, अगर आप एक अर्थवर्म को 2 pieces में काट देते हो और वो दोनों पीसीज अलग से एक नया वर्म बन जाता है। अर्थवर्म क्या होता है, जो देखा कि बारिश के टाइम में निकलता है अर्थवर्म, आपने देखा होगा। एक कैमेलियन टेक्स ऑन द कलर ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन इट्स विच ऑन विच इट रेस्ट, कि एक कैमेलियन, कैमेलियन देखा है ना आपने कि जिस चीज़ पर बैठता है तो उसी का कलर अडॉप्ट कर लेता है, वैसे ही कलर का हो जाता है जिससे वो हमें दिखता नहीं है। कम बहुत बारीकी से हमें देखना पड़ता है कि इस पर कैमेलियन बैठा है। एज ऑफ अ हॉर्स इज काउंटेड बाई लुकिंग एट इट्स टीथ, कि जो हॉर्स की एज है वो उसके टीथ देखकर काउंट की जाती है। द एग ऑफ अ सी हॉर्स, फिश है एक सी हॉर्स, हैचिज इनसाइड द पॉकेट ऑफ इट्स फादर्स बैली, कि अपने फादर की बैली, बैली होता है पेट, बैली होता है पेट, तो वो अपने फादर के बैली के अंदर पॉकेट है उसके अंदर सी हॉर्स फिश के जो एग हैं हैच होते हैं। एक कंगारू एंड मेंटेन्स इट्स बैलेंस विद द हेल्प ऑफ इट्स टेल, जो कंगारू होता है वो अपना बैलेंस किसके थ्रू मेंटेन करता है, अपनी टेल के। अ स्नेक हैज़ ओनली वन लंग, कि स्नेक का केवल एक लंग होता है। लॉयन हैज़ द स्मॉलेस्ट हार्ट ऑफ ऑल बीस्ट ऑफ प्रे, कि जो लॉयन है बीस्ट ऑफ प्रे के मतलब उसका सबसे छोटा हार्ट होता है। ऑल बीस्ट ऑफ प्रे, शिकार करने वाले जो होती हैं, लॉयन भी एक शिकार करने वाला एनिमल है तो उसका स्मॉलेस्ट हार्ट है सब में। इट इज़ अ स्टार फिश, इफ़ अ स्टार फिश इज कट इन टू लार्ज पीसीज ईच पीस विल ग्रो इन टू अ कम्प्लीट फिश, कि अगर एक स्टार पीस को आप कट इन टू लार्ज पीसीज, बड़े बड़े पीसीज में काट जाते हैं तो उसका हर एक पीस जो है एक कम्प्लीट फिश में बन जाता है दोबारा। अब ये कुछ डॉक्टर्स के ट्रीटमेंट हैं कि कौन सा डॉक्टर क्या ट्रीटमेंट करता है उसे क्या कहते हैं। अ डॉक्टर हु ट्रीट्स एलर्जीज, एलर्जिस्ट, हार्ट डिसीजेज कार्डियोलॉजिस्ट जो हार्ट की डिसीजेज को ट्रीट करता है, स्किन एंड इट्स डिसीजेज डर्मेटोलॉजिस्ट, इलनेस एंड डिसऑर्डर ऑफ माइंड साइकेट्रिस्ट, ठीक है साइकेट्रिस्ट, एंड आई एंड इट्स डिसीजेज ऑप्थैल्मोलॉजिस्ट, ऑप्था नहीं इसे हम बोलेंगे, पर की साउंड कम आएगी, ऑप्थैल्मोलॉजिस्ट, डाइजेस्टिव सिस्टम और डिसऑर्डर्स, गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट, किडनी डिसऑर्डर्स, किडनी के डिसऑर्डर्स, नेफ्रोलॉजिस्ट। नेक्स्ट है टेस्ट योर विजडम, इसमें जो स्टेटमेंट ट्रू है उसे टिक करना है, जो फॉल्स है उसे क्रॉस करना है। लीवर इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, कि जो हमारा लीवर है वो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट नहीं है, ये क्रॉस आएगा गलत है, ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट है। इंसेक्टिवोर्स प्लांट्स ग्रो ऑन फर्टाइल सॉइल, इंसेक्टिवोर्स प्लांट्स क्या होती हैं बेटा, कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं कि उनके ऊपर जो भी इंसेक्ट बैठता है वो उनको अपने अंदर समेट लेते हैं और खा जाते हैं, प्लांट्स ऐसे होते हैं। दीज आर द इमेजेस, मैं आपको दिखाती हूँ, ये कुछ इमेजेस हैं, ये देखो, और ये कि जिस जो इनके ऊपर कोई भी कीट पतंगा बैठता है वो आप वो ये पौधे अपने अंदर समेट लेते हैं, खा जाते हैं उन्हें। और उसमें कहा गया कि इंसेक्टिवोर्स प्लांट्स जो हैं फर्टाइल होती है, उपजाऊ मिट्टी पर उगते हैं, फॉल्स है ये कहीं भी उग सकते हैं। रैट इज़ अ रोडेंट, रोडेंट क्या होता है, स्मॉल एनिमल जिसके शार्प टीथ होते हैं, स्ट्रॉन्ग एंड शार्प टीथ, तो रैट के होते हैं, ये ट्रू है, टिक करेंगे। ब्लड बैंक प्रोवाइड्स ब्लड टू द नीडी पीपल, कि जो ब्लड बैंक होता है वो नीडी ज़रूरतमंद लोगों को ब्लड प्रोवाइड करवाता है, ट्रू है, टिक करेंगे। नेक्स्ट है 5, द एटमॉस्फेयर ऑफ मून इज सिमिलर टू दैट ऑफ अर्थ, कि जो मून का एटमॉस्फेयर है वो अर्थ के एटमॉस्फेयर जैसा है, बिल्कुल भी नहीं, ये क्रॉस करेंगे हम। अ स्पेस स्टेशन इज़ अ 2-storied अपार्टमेंट इन न्यूयॉर्क, कि जो स्पेस स्टेशन है होता है वो न्यूयॉर्क में एक 2-story दो मंजिला अपार्टमेंट है, जिसे बिल्डिंग कह सकते हैं, अपार्टमेंट रूम्स, तो ये गलत है। स्पेस स्टेशन तो स्पेस में जाने के लिए होता है।
Dodo and Moa are the birds which are not alive anymore. कि ये कुछ birds हैं जो अब नहीं हैं. Next है ये, टिक करेंगे. A funny bone is not bone but a nerve in the elbow. कि एक funny bone जो है वो एक bone नहीं है बल्कि एक nerve है elbow में, कोहनी में. तो ये true है. वैसे तो इसका नाम funny bone है, तो ये bone नहीं, nerve है. Read the clues given below and complete the puzzle. यह puzzle दी गई है. Quinine is obtained from its bark. कि इसके बाग से, छाल से quinine मिलता है, तो उस पौधे का नाम क्या है? Cinchona. A में fill करेंगे. The longest living animal, सबसे ज़्यादा जीवित रहने वाला animal, turtle. World symbol of conservation, हमने पहले भी कहा है, giant panda. And फोर्थ है, फर्स्ट डॉग टू गो इन टू द स्पेस, लाइका. ई दिस स्टार इज सीन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, रैरिस. ये भी हम कर चुके हैं. दीज रेज हेल्प डॉक्टर्स इन डिटेक्टिंग ब्रोकन बोन्स, टूटी हुई हड्डियों का पता लगाने के लिए डॉक्टर्स इस रेज को यूज़ करती हैं, एक्स रेज. अ फिश दैट वॉन्स अगेंस्ट पोल्यूशन, ये भी हम कर चुके हैं पीछे. ट्राउट. तो आप आज का होमवर्क में ये जीके के पेजेस कंप्लीट करेंगे 23 तक. 23 से स्टार्ट करके 23 तक आप इस वर्क को कंप्लीट करेंगे. थैंक्स, हैव अ नाइस डे.